अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करना है। याद रहे कि ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुका है, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। चले जाए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं, इतना ही आसान है। स्टूडेंट क्या कह रहा है, शो दैट द इक्वेशंस x इज इक्वल टू के कोस अल्फा एंड y इज इक्वल टू के साइन अल्फा रिप्रेजेंटेड अ सर्कल, ठीक है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद इट्स सेंटर सेंटर एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इक्वल टू k। बेसिकली इसमें हमें कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन पे आपको पता है सेंटर ओ एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे। ये वाली पहली बात हो गई कंप्लीट। फिर उसके बाद में इसने हमें दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, तो पहली बात ये की होगी। और दूसरी चीज आपको पता है, एक सर्कल के जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम एक्स और वाई से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट, बस इतनी बात पता होनी चाहिए। अब हम जरा देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसने हमें गिवन किया हुआ है कि भाई एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है के कोस अल्फा के, ठीक है, और फिर वाई किसके बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट जो वो बराबर है के साइन अल्फा के, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि एक सर्कल है वो कहाँ पे लाया कर रहा है, सेंटर पे लाया कर रहा है, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाया कर रहा है। ये वाली बात हो गई कंप्लीट, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख देंगे भाई जो सेंटर है वो कहाँ पर है, सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पर है। तो ओरिजिन पे इसका मतलब ये होगा कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो जीरो जीरो बन जाएंगे। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद जिसने हमें बात कही है वो कही है कि भाई प्रूव करके बताओ, ठीक है, क्या करके बताओ, शो डैट कर दो। ये शो क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन में शो डैट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रूव करके बताओ क्या, कि भाई शो डैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है एंड रिप्रेजेंट दी सर्कल, इक्वेशन को जो इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो सेंटर एट द ओरिजिन इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जीरो जीरो, सॉरी सेंटर में जो दो कोऑर्डिनेट्स है वो जीरो जीरो गए एंड द रेडियस इक्वल टू के, यानी कि प्रूव करके बताओ कि जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है बस डिफरेंट कंडीशन को यूज करते हुए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जरा देखिएगा, सिंपल आपने मेथड यूज करा और कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट्स आप जरा देखें, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। इस बात को मानते ही नहीं मानते क्योंकि आपको रेडियस प्रूव करना है, तो समझे रेडियस आप मालूम करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दो पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस फार्मूले के तहत करते हैं। यहां का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो सिंपल इस चीज को हम यूज करते हैं यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, तो नाउ हम यहाँ पे क्या करने, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो ये फार्मूला शीट से आप देख सकते हैं क्या, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, आप इसको x1 कह दें और इसको x1 y1 कह दें और इसको x2 y2 कह दें, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। x2 कितना है आपके पास, x2 की वैल्यू x है, x इसके बराबर है, x बराबर है k कोमा 1 के। चले आप पहले इसको यहाँ पे x लिखते हैं, सिंपल आपको मैं सिंपल कर देता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है, 0 सिंपल होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू y है माइनस y1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हो गई बात। अब यहाँ पे आपको पता है कि x किसके बराबर है और y किसके बराबर है, आप बताएं, x बराबर है k cos अल्फा के और y किसके बराबर है sin अल्फा के। इस बात को मानते ही नहीं मानते जो इसने हमें वैल्यूज गिवन दी थी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, ये जो x और k की वैल्यू है सिंपल आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, x x की वैल्यू क्या है, k cos अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, y की वैल्यू दी हुई है k sin x अल्फा, ठीक है, और माइनस 0 सिंपल। समझते हैं इस बात को, नहीं समझते, सिंपल दी, ठीक है जी स्टूडेंट। अब आपने यहाँ पे क्या करना, जरा देखिएगा, आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करी जो आपको गिवन दी हुई थी। अगर आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यू भी इसको कर सकते थे, भाई cos अल्फा, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था भाई x की वैल्यू क्या थी, k cos अल्फा कोमा k sin अल्फा। इस बात को भी जरा देख लीजिएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू,
ठीक है स्टूडेंट, सिंपल आप चाहते तो इसको इस तरह भी डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इजी करके दिखा दिया कि भाई आपने इसको एक्स और वाई होते थे, एक्स और वाई की वैल्यूज ये थी, सिंपल आप पुट कर दिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा देखिएगा आपको पता है डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो चले आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, अब जरा देखिएगा आपको पता है जीरो आपने इसे माइनस किया, आपको पता है किसी भी टर्म से जीरो को माइनस करो तो आपके पास वही टर्म आ जाती है, तो सिंपल आगे चलते हैं। के साइन में से जीरो माइनस किया तो के साइन अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट सिंपल। अब आगे क्या करना है जरा देखिएगा, ये जो स्क्वायर है के ऊपर भी आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है कोस के ऊपर भी आ जाएगा, प्लस अब आगे चलते हैं ये जो स्क्वायर है के ऊपर भी आ जाएगा और साइन के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट सिंपल। अब आगे क्या करना है, के और के कितना है, के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आपने सिंपल के का कांस्टेंट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने के का कांस्टेंट लिया, यहाँ पे मशहूर जमाना आपको एक फार्मूला आपने मैट्रिक में भी पढ़ा, फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, आप सेकंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी है ये एक बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, सिंपल। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, चलिए जी पुट कर देते हैं वैल्यू, आपको याद रहे यहाँ पे आर आर चल रहा है, ठीक है। तो के के स्क्वायर इसकी पूरी की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरी की जगह आपके पास वन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। के को वन को जब के से मल्टीप्लाई किया तो के वन जा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट सिंपल। तो के से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इजी के आ जाएगा, ठीक है, के से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, के आ गया। तो अब मुझे बात बताएं कि जो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई प्रूफ करके दिखाएं कि प्रूफ करके दिखाएं रेडियस के बराबर होगा, क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, तो आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज। याद रहे कि बेटा ये यूट्यूब चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, किसी भी ग्रुप में शेयर करें जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नाइन्थ और मैट्रिक क्लास में हो, ताकि उनका भी फायदा हो। जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी भलाई पैदा करता है। अल्लाह हाफिज।